एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है समझन क्षमता। बहुत ही छोटा टॉपिक है और इसको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा। समझन क्षमता किसे कहते हैं? देखिए, ये आँख का जो लेंस होता है ना, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, इसको बोला जाता है नेत्र लेंस। तो आँख के लेंस की वह क्षमता, आँख के लेंस की वह क्षमता जिससे यह लेंस अपनी फोकस दूरी को कम और ज़्यादा करता है, इस क्षमता, इस पावर को बोलते हैं हम समझन क्षमता। ये हो गया डिफिनेशन, जो कि बोर्ड पर भी लिखा है, आप लोग देख कर लिख लीजिएगा कॉपी पर। अब जरा इसको समझ लेते हैं डीपली में कि आखिर रियली में कहते किसे हैं समझन क्षमता को। तो देखिए, जो आँख का लेंस होता है ना, वो अपनी फोकस दूरी की कम या फिर ज़्यादा करता है, जिसे हम दूर और नज़दीक दोनों जगह की वस्तुओं को देख पाते हैं। और फोकस दूरी कम या ज़्यादा करने की क्षमता को ही, पावर को ही हम लोग बोलते हैं क्या? समझन क्षमता। देखिए, जब ये आँख का लेंस होता है ना, इसको दोनों तरफ से, इधर ऊपर से देख रहे, रेड रेड कलर का मैं बनाई हूँ, ये क्या कहलाती है? पक्षमाभि पेशियाँ, सिलियरी मसल्स बोला जाता है इसको, सिलियरी मांसपेशियाँ, पक्षमाभि पेशियाँ, ये आँख के लेंस को इस तरह पकड़े हुए रहती हैं दोनों तरफ से। और जब दूर वस्तु रखा रहता है ना, तो ये आँख के लेंस को ऐसे खींच देती हैं। खींच देने की वजह से ये लेंस पतला हो जाता है, और जब लेंस पतला हो जाता है तो प्रकाश उसको आसानी से चीर कर दूर तक चला जाता है, ठीक है, और फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसीलिए हम दूर की वस्तु को भी देख पाते हैं। तो यहाँ पर लेंस की क्या हुई? फोकस दूरी बढ़ गई। अब देखिए, जब वस्तु नज़दीक में रहता है ना, तो क्या होता है कि ये सिलियरी मांसपेशियाँ जो होती है ना, इस लेंस को ढीला कर देती है, यानी कि छोड़ देती है हल्का सा। तो ये लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। और जब लेंस मोटा हो जाता है, तो उससे प्रकाश चीर कर ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, नज़दीक ही में मिल जाती है, इसीलिए फोकस दूरी कम हो जाती है। और जब फोकस दूरी कम हो जाती है, तो हम नज़दीक की वस्तुओं को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेंस की क्या हो रही है? फोकस दूरी ज़्यादा या फिर कम हो रही है। और यही लेंस की फोकस दूरी कम या ज़्यादा होने की इस क्षमता को, लेंस की क्षमता को ही बोला जाता है समझन क्षमता, जिससे लेंस क्या करता है? फोकस दूरी कम या ज़्यादा करता है, जिसे हम दूर और नज़दीक दोनों जगह की वस्तुओं को देख पाते हैं। देखते हैं, जब दूर कोई चीज़ रखा रहता है तो हम लोग उस तरह आँख फाड़ कर देखते हैं, उस वक्त क्या हुआ रहता है? सिलियरी मांसपेशियाँ खींच दी रहती है और लेंस को पतला कर दी रहती है, इसलिए आँख पढ़ कर देखते हैं कि वो कौन सा चीज़ है। तो उस वक्त फोकस दूरी बढ़ गया रहता है। और जब हम नज़दीक की वस्तु को देखते हैं, तो इस तरह आँख हल्का सा कम कर देखते हैं या फिर नॉर्मली देख लेते हैं, तो इस वक्त सिलियरी मांसपेशियाँ जो होती है ना, वो इस लेंस को छोड़ देती है हल्का सा, ठीक है, जिसके वजह से फोकस दूरी कम हो जाती है और हम नज़दीक की वस्तु को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फोकस दूरी कम या ज़्यादा हो रहा है, और यही क्षमता को बोलते हैं समझन क्षमता। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है, अब जरा एक और चीज़ क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि दोनों आँख का, देखिए, दोनों आँख का दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हम लोग दोनों आँख से कितने एरिया को देख सकते हैं, कितना डिग्री को देख सकते हैं, कितना डिग्री एंगल में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, हम लोग दोनों आँख से ना 180 डिग्री एरिया को देख सकते हैं। कैसे? इसको तो बोला जाता है, हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। और ये जो सीधा होता है ना, यहाँ से ऐसे सीधा, ये पूरा होता है 180 डिग्री। तो ये पूरा 180 डिग्री होता है, और इतना ही एंगल को हम लोग दोनों आँख से देख पाते हैं, 180 डिग्री होता है। मतलब ये सीधा हो गया, यहाँ से अगर आप लोग सामने खड़ा होइएगा और पूरा ऐसे सीधा खींच दीजिएगा, तो ये क्या हो गया? 180 डिग्री। और इसके सामने वाले जो भी एरिया है उसको आप लोग देख पाएंगे, मतलब ये टोटल यहाँ सीधा खींच देंगे और ये आगे वाला टोटल क्या हो गया? 180 डिग्री। देखिएगा, जब आप लोगों को अगर पीछे देखना होगा ना, तो ऐसे नहीं है आगे आंखें पीछे देख लेंगे, ऐसा तो कभी होता नहीं है। आगे आंखें तो आगे की वस्तु या फिर साइड की वस्तु को देख सकते हैं आँख घुमाकर, लेकिन पीछे देखने की बात आती है तो पीछे हम लोग मुंडे घुमाकर देखते हैं, अपना सर घुमाकर देखते हैं, ठीक है। तो आँख का, दोनों आँख का जो एरिया होता है देखने का डिग्री में, वो क्या होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री हम देख पाते हैं। और अगर बात करें एक आँख का कितना होता है, एक आँख का दृष्टि क्षेत्र, वो होता है 150 डिग्री। यानी कि एक आँख को बंद कर लिया जाए और एक आँख से देखा जाए ना, तो क्या होता है? 150 डिग्री के एरिया को, क्षेत्र को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन दोनों आँख से 180 डिग्री के क्षेत्र को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछे, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट। तो यहाँ तक समझ में आ गया समझन क्षमता, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, समझ में आ गया। अब देखिए, जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है दृष्टि दोष, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है जो कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी आप तक सबसे पहले पहुँचेगी, ठीक है। मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोग सोचते हैं कि वीडियो अपलोड हुआ ही नहीं है, सब्सक्राइब कर रखिए, तभी आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग तो लाभ उठा ही रहे हैं समझकर, दूसरे आपके पड़ोसी या फिर आपके फ्रेंड्स इस वीडियो को समझकर लाभ उठा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।